गाइज टाइम है वर्डप्रेस अपलोड करने का। वर्डप्रेस डाउनलोड कर देता हूँ, wordpress.org/download से इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने लोकल कंप्यूटर में। और देखो ये सारी फाइलें यहाँ पे आ गई है। मैं सर्च कर रहा हूँ wp-config-sample.php को, और इसको एडिट करके मैंने क्या करना है, wp-config.php इस नाम से मैं सेव कर दूँगा, रीनेम करना है बेसिकली। देखो मैंने रीनेम कर दिया। अब रीनेम करके इसको एडिट कर देता हूँ, अपना जो भी एडिटर आपके पास है आप उससे एडिट कर लो। मेरे पास सबलाइन है, मैं उससे कर दे रहा हूँ। देखो इसमें कुछ फील्ड्स भरनी पड़ेंगी जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दूसरी विंडो में रखी थी। देखो डेटाबेस नेम जो मैंने रखा था वर्डप्रेस, आप कुछ और रख सकते हो। यूज़र, यूज़र भी अपना कुछ हार्ड रखना, मैं सिर्फ ट्यूटोरियल के लिए वर्डप्रेस रखा है मैंने। पासवर्ड, पासवर्ड थोड़ा हार्ड पासवर्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड बेटर रहेगा, जितना ज़्यादा हार्ड। और देखो मैंने सब डाल दिया यहाँ पे। अच्छा एक कमांड मैं ये और डाल रहा हूँ इसमें, इसलिए ताकि आप जो है एक लाइन ऐसी डाल रहा हूँ जिससे कि इंस्टॉलेशन ऑफ थीम्स और प्लगइन जो है वो थोड़ी बेटर रहेगी आपके लिए। आपको FTP नहीं डालना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको बाद में आकर के करना पड़ेगा, तो क्यों नहीं अभी कर दें इसको। तो FS मेथड जो है मैं डायरेक्ट कर दूँगा और इसको सेव करके अपलोड करना है। अब इसको बेसिकली हमारा रेडी हो गया वर्डप्रेस। अब इस वर्डप्रेस को अगर हम अपलोड कर देंगे अपने सर्वर पे, तो जो वर्डप्रेस है हमारा वो इंस्टॉल करना ही बाकी रह जाएगा। मैंने यहाँ सेव किया, अब करना क्या है, ये देखो ये सारी फाइल्स जो है इसको सिलेक्ट ऑल करूँगा, डू कलर फोल्डर। अच्छा बाहर जाकर यहाँ सेलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक करके आर्काइव। देखो अब मेरे में कंप्रेस ऑप्शन आया, अगर आपके विंडोज़ आप आर्काइव कर सकते हो। आर्काइव हमारा हो गया है, archive.php नाम, archive.zip नाम से। इसको मैं साइट नाम से डालूँगा, सो दैट थोड़ा छोटा नाम और ईजी हो जाएगा। अब हमें FTP करना है। FTP के लिए फाइलजिला डाउनलोडेड है मेरे पास, मैं सारे फाइलजिला ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें यूज़र नेम डालना है मेरे को, रूट यूज़र नेम है मेरे सर्वर का, अभी रूट यूज़ कर रहा हूँ। कोई और यूज़र बना सकते हो, उसको सूडो एक्सेस भी दे सकते हो। पासवर्ड बना दिया मैंने, पासवर्ड जो मेरा पासवर्ड है रूट। पोर्ट 22 रहेगा मेरा FTP पोर्ट। और अब सर्वर की IP डाल दूँगा होस्ट में। ठीक है, देख लो कनेक्टिंग हो रहा है, कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने से पहले एक बार मेरे को ये पूछेगा कि सेव कर दूँगा, मतलब ओके कर दूँगा इसमें। और ये रूट डायरेक्टरी को लिस्ट करेगा अभी, जब मुझे चाहिए /www/html जहाँ पे मेरा रूट डायरेक्टरी है डोमेन की। देखो इसके अंदर ये डेटाबेस का लिंक बना हुआ है, इसको कुछ छेड़ना मेड़ना नहीं है मेरे को। यहाँ पे मेरे को बस करना क्या है, जो साइट डॉट जिप थी ना यहाँ पे, इसको बस अपलोड करना है। तो इसको मैं ड्रैग करके वहाँ पर ले जाऊँगा तो ये अपलोड हो जाएगी वहाँ पर। अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपकी इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी अपलोड हो पाता है। तो जब तक ये अपलोड हो रहा है ना, तो मैं SSH से क्या करूँगा, जिप अनजिप इंस्टॉल कर लूँगा अपने सर्वर पे, ताकि ये जो साइट जो जिप है इसको मैं जल्दी से अनजिप कर पाऊँ। ठीक है, तो देखो करना क्या है, दो तीन कमांड छोटी सी हैं, sudo apt-get अपडेट। सो सब कुछ भी अब करने से पहले मैं अपडेट कर देता हूँ, सो दैट कोई प्रॉब्लम ना आए। अब sudo apt-get इंस्टॉल जिप अनजिप, बस इतना करना है। तो ये जो कमांड है, ये दोनों कमांड, सब कमांड मतलब पूरी की पूरी कमांड मैंने एक ब्लॉग पोस्ट में लिख रखी है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के देख सकते हो। तो पूरी टाइप नहीं करनी पड़ेगी कोई कमांड आपको, कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन है। देखो यहाँ पे ये दो कमांड मैंने अभी भी डाली है यहाँ पे, है ना। अब मैं उसी डायरेक्टरी के अंदर ही हूँ, तो मेरे को कहीं और नेविगेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बस मैं चेक जरूर कर लूँगा, देखो यहाँ से ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो गया। तो अब मैं LS करके देखूंगा कि कौन कौन सी फाइलें यहाँ पे, देखो site.zip यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब करना क्या है मुझको, बस इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। sudo unzip site.zip, जैसे ही एंटर करूँगा सारी की सारी फाइलें यहीं पे आ जाएंगी जो मैंने एडिट, मतलब जो एडिट की और बाकी सारी। तो अब जो है ये जो दो डायरेक्टरी हैं macOS वाली और site.zip, दोनों को डिलीट कर देना। macOS X आपके में नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो और अगर मैक कर रहे हो तो पॉसिबल है कि आ जाए। तो ऐसी दोनों अनवांटेड फाइल्स को डिलीट कर देते हैं, sudo rm-site.zip। तो इससे ये जिप
फाइल भी डिलीट हो जाएगी। अब देखो क्लीन वर्डप्रेस की फाइल्स बची और एक डेटाबेस का लिंक। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब डोमेन ओपन करूँगा तो ये मेरे को इंस्टॉल का ऑप्शन दे देगा। लैंग्वेज चूज़ करके कंटिन्यू करूँगा। सीधे के सीधे मेरे को साइट टाइटल, यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल डाल के सेटअप करने को बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे सब अपनी डिटेल विटेल डाल के इंस्टॉल वर्डप्रेस क्लिक कर दूँगा। देखो ये इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे मेरे को सीधे लॉगिन करने का ऑप्शन आ गया, तो लॉगिन करूँगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। देखो अब मैं डायरेक्ट वर्डप्रेस के एडमिन में हूँ। अब आप यहाँ पे थीम चेंज कर सकते हो, प्लगइन डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन थीम देखो, थीम यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुआ क्योंकि प्रॉपर परमिशंस नहीं है। देखना, देख रहे हो आप इंस्टॉलेशन फील्ड आ रहा है, उसके लिए एक कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। ये है चेंज ओनर डैश रिकर्सिव www डेटा www। इसमें आगे जो है ये वार स्लैश www और स्लैश, इसके आगे वर्डप्रेस का डायरेक्टरी का एड्रेस देना है आपको, ताकि सर्वर को पता चल जाए कि www यूज़र क्या कर सकता है। देखो यहाँ पे अब मैंने किया तो ये हो गया इंस्टॉल। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ऐसा सर्वर मैनेज करना इतना बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, कभी कभी हो सकता है अगर आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए। बट दिस वर्डप्रेस होस्टिंग इज़ सो ईजी ऑन एनी उबंटू सर्वर। देखो हम सर्वर साइट हेल्थ थोड़ा सही कर लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे कोई प्रॉब्लम है। तो साइट हेल्थ टोटल गुड होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए मेरे लिए। तब देखो अब पहले HTTPS के लिए मैं क्या करूँगा, SSL, रियली सिंपल है, SSL कर लूँगा। SSL मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल था, क्लाउड फ्लेयर से है मेरा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है SSL के लिए। बट अगर आपका कोई और तरीका है तो उसके लिए एक और वीडियो में बता दूँगा बाद में। लेट्स इनक्रिप्ट का आप इंस्टॉल कर सकोगे SSL अपने सर्वर पे। अभी के लिए मैंने रियली सिंपल SSL डाल लिया। अब साइट हेल्प में जाऊंगा और देखूंगा। देखो क्या कह रहा है कि ये PHP मॉड्यूल मिसिंग है इसका, आई मैजिक, ये भी इंस्टॉल कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूडो एप गेट इंस्टॉल और आगे जो भी है, तो ये जो सूडो मैंने एप गेट इंस्टॉल PHP 7.4 FPM करी थी, उसी तरीके में मेरे को क्या करना है, सूडो एप गेट इंस्टॉल आगे लिखना है। आई मैजिक से, इमेजिक से पहले लिखूंगा PHP 7.4 डैश। या जैसे ये एंटर करूंगा इसको, ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। येस और नो पूछेगा, येस। और देखो जैसे ये एंड होगा, मैं वर्डप्रेस रिफ्रेश करूंगा तो ये वाला एरर जा चुका होगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब देखो हो गया, ये वर्डप्रेस रीलोड करते हैं। मैं वर्डप्रेस रीलोड करूंगा ये वाला पेज साइट हेल्थ का। देखो ये वाला एरर चला गया, दो एरर इकट्ठे सॉल्व हो गए, SSL वाला और आई मैजिक वाला। अब क्या करना है, इनएक्टिव प्लगइन्स को डिलीट कर देना है। और अपीयरेंस में जाके मैं बाकी सारे थीम्स डिलीट कर दूंगा, लेकिन एक डिफ़ॉल्ट एक्स्ट्रा थीम रहने दूंगा, ठीक है, ये 2017 वाला रहने देता हूँ। और जाऊँगा फिर मैं अब सर्वर हेल्प पे, साइड हेल्प पे। देखो एक एरर आ रहा है, वो क्या कह रहा है, इनएक्टिव थीम्स हटा दो। इसके लिए क्या करते हैं, ये वाला भी डिलीट कर देते हैं। देखो सारे के सारे है इश्यूज जा चुके हैं और ये कहता है ग्रेट जॉब। सो दिस मीन्स कि हमने सर्वर पे वर्डप्रेस इस तरह से इंस्टॉल किया कि सर्वर साइड से और साइट की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अब अपनी वेबसाइट इस पे अपलोड कर सकते हो। तो माइग्रेट करने के लिए भी तरीका मैं आपको बताता हूँ अगली वीडियो में। अभी तक के लिए हमने क्या किया, इस इंजीनिक्स सर्वर पे अपना एक ब्लैंक वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है विद PHP 7.4 FPM। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू। अगली वीडियो आएगी वार्निश।
कैश कैसे इंस्टॉल करें और वर्डप्रेस को फास्टेस्ट कैसे बनाएं। थैंक यू।